बिलासपुर धोबी समाज बिलासपुर शहर अध्यक्ष पद पर नवनियुक्त चाटीडीह निवासी दिनेश नेमलकर ने रविवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। जराहा भाटा स्थित छत्तीसगढ़ कन्नौज रजक समाज सेवा समिति के भवन में आयोजित कार्यक्रम में धोबी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सूरज निर्मलकर ने दिनेश को शपथ दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सूरज निर्मलकर और नवनियुक्त बिलासपुर अध्यक्ष दिनेश निर्मलकर ने संगठन को मजबूत करने और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करने की बात कही। वहीं समाज को आगे बढ़ाने और समाज को नई दिशा देने पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। नए अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से समाज के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिम्मेदारी दी है, उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा और ज्यादा से ज्यादा काम करके समाज को प्रदेश भर में नहीं बल्कि देश भर में नाम रोशन करूंगा। शुरू से सपना है कि इसकी फिरकापरस्ती हमारे समाज में समाप्त हो जाए। बहुत बड़े बड़े समाज में समाप्त हो चुका है, हमारे धोबी समाज में भी होना चाहिए। तो आज यह बिलासपुर में देखने को हमें मिला कि सारे फिरके के लोग संगठित होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह हम सामाजिक न्याय, कोई भेदभाव न हो, निष्पक्षता की शपथ दिलाने यहाँ रायपुर से आए हैं और यहाँ काफी संख्या में युवा वर्ग, बुजुर्ग और महिलाएं शपथ लेने के लिए आई है। मैं यहाँ के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष श्री दिनेश निर्मलकर और जिला अध्यक्ष पवन निर्मलकर, युवा जिला अध्यक्ष प्रभात सोनछत्र और ये संचालक राजेश रजक, हमारे आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक प्रदेश संयोजक श्री भागवती निर्मलकर, जो हमारे यहाँ प्रदेश महासचिव और बिलासपुर जिले के संगठन प्रभारी श्रीमती मधु निर्मलकर को मैं बधाई देता हूँ। रमान रजक को मैं बधाई देता हूँ कि आप हैं, प्रेमलाल निर्मलकर, इन सब संजय निर्मलकर, इन सबको मैं बधाई देता हूँ साथियों कि इन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही कहना चाहिए गंभीरता से समाज को संगठित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिलासपुर जो है छत्तीसगढ़ का न्यायधानी है, यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होगा और यहाँ हम मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे। यहाँ के प्रभारी मंत्री कौन है, जय सिंह अग्रवाल जी, उनको यहाँ आमंत्रित करेंगे और निश्चित रूप से ये आज इसके तैयारी का रूपरेखा भी यहाँ तैयार होगा आज की इस कार्यक्रम में और बहुत बड़ा भव्य आयोजन होगा। और हो सके तो ये आयोजन अगर कोविड-19 समाप्ति की ओर रहा या सामान्य स्थिति रहा तो 23 फरवरी को पूरे देश का ऐतिहासिक कार्यक्रम न्यायधानी में होगा। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।